बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। यार मैं आप भाइयों के साथ कुछ ऐसी न्यूज़ शेयर करता रहता हूँ, आप भाइयों को यानी कि आगाह करता रहता हूँ। और मेरे जो भाई यहाँ पर सऊदी अरब में मुकीम है, पुराने बंदे, उनको तो इसके मतलब काफ़ी अच्छे से इलम भी है कि यहाँ पर भाई खासकर सोशल मीडिया के ऊपर किसी ग्रुप वगैरह में बैठकर कोई भी किसी किस्म की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या किसी तंजीम के ख़िलाफ़ या किसी इलाके के मुकीम जो अफराद हैं उनके खिलाफ कोई भी किसी किस्म की गलत ज़ुबान इस्तेमाल करना, ना नज़ेबा किस्म के यानी कि अल्फाज इस्तेमाल करना, वो ममनू है। आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर आपको लंबे अरसे के लिए जेल में रखा जाता है। तो ये एक नाइजेरिया की लड़की है और इसकी उम्र बताई जा रही है कि 20 से 25 के अराउंड में। तो मक्का अल मुकरमा से इसे गिरफ़्तार किया गया है। और इसे गिरफ़्तार क्यों किया गया है, जो मैंने भाई आपको भी बात बताई है, ये भी एक इलाके के जो अफराद थे उनके खिलाफ कुछ नज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रखी थी, इसे उठा लिया गया है। हालांकि लड़की है, देख लें आप। तो जो मेरे भाई यहाँ सऊदी अरब में भाई काम वगैरह करते हैं, आप अपना काम कीजिए, अपने काम के सिलसिले में रहें। यहाँ पर किसी भी तंजीम को लेकर, किसी और चीज़ को लेकर, किसी इलाके के लोगों को लेकर या किसी भी और बात को लेकर कोई भी किसी किस्म की गलत अल्फाज, कोई गलत हरकत, खासकर सोशल मीडिया के ऊपर उस न्यूज़ को बाद में लगाना या अपनी उस भाई वीडियो को जो आपने इस्तेमाल लफ्ज़ यूज़ किए हैं उसको सोशल मीडिया के ऊपर लगाना, ये भाई काम हरगज़ मत कीजिएगा, वरना आपको लंबे अरसे के लिए यहाँ सऊदी अरब में जेल काटनी पड़ सकती है।